अस्सलाम वालेकुम जी, मियां वाज नेक्स्ट पास रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। राइट नाउ हम आपको विजिट करवा रहे हैं अल रहमान गार्डन फेज 7 का लेटेस्ट साइट विजिट है जी, और नवंबर 2021 का लेटेस्ट साइट विजिट है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सी ब्लॉक के अंदर बुकिंग जारी थी जिसमें 3 मरला से लेके अप टू 10 मरला तक के रिहायशी प्लॉट थे, लेकिन अगर अभी आप सी ब्लॉक में कोई भी बुकिंग करवाएंगे तो अप्रैल 2021 से उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रही है, और यानी कि डील जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ है, और इसमें यहाँ पे 2 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी थी, लेकिन आपको फ्रेश यहाँ पे इस वक्त डील नहीं मिलती। इसके अलावा सोसाइटी आप देख सकते हैं गेटेड कम्युनिटी है, बहुत तेज़ी से चंद ही माह के अरसे में इन्होंने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम किया है। राइट जानिब आप देख सकते हैं ये अल रहमान गार्डन का बेसिकली हेड ऑफिस बन रहा है, क्योंकि अभी तक अल रहमान गार्डन की जितनी भी बुकिंग्स होती हैं या किस्तें वगैरह जमा करवानी होती है तो वो फेज़ 2 का जो इनका ऑफिस है मेन एक पुराना ऑफिस वहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आप देख सकते हैं अभी हमने इससे पहले अपडेट भी किया था, इनॉग्रेशन हुई थी प्रॉपर हेड ऑफिस की, और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी तेजी से हेड ऑफिस का काम स्टार्ट हो चुका है। सोसाइटी ने जी राइट जानिब आप देख सकते हैं आपको प्लॉट्स की बेल्ट्स नज़र आ रही हैं, लेफ्ट जानिब आप मेरी देख सकते हैं सोसाइटी ने बहुत ही क्लील अरसे के अंदर अपनी जो डील निकाली थी, पहली डील ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की जिसमें कमिटमेंट की थी कि 6 माह के अरसे के अंदर हम कब्जा दे देंगे, वो बहुत ही कम अरसे के अंदर जो है उसको डिलीवर की है और अपने मेयार को और अपने नाम को बरकरार रखा है। जैसे कि अगर ये 7वां फेज बना रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पुराने 6 फेजेस भी मौजूद हैं, और वो इस बात का सबूत हैं कि अल रहमान गार्डन जो है वो जो काम करता है या जो कमिटमेंट करता है अपने क्लाइंट्स के साथ वो पूरी करता है। और इसके बाद अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि कोई नई डील आएगी, लेकिन अभी सोसाइटी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है नई डील की, जब आएगी वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के सामने रखेंगे जो भी सोसाइटी में नया ब्लॉग मुतारिफ करवाया जाएगा। अभी आज की वीडियो का मकसद ये है कि अब तक की जितनी डेवलपमेंट है वो हम आप लोगों को दिखा सकें, ताकि जिन लोगों ने नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स के थ्रू प्लॉट्स लिए हैं उनको आइडिया हो सके कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्लॉट ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर सोल्ड आउट किए थे वो बहुत ही क्लील अरसे के अंदर जो है उसको सोसाइटी ने जो दावा किया था, जो वादा किया था कि टाइम से पहले कब्जा दे दिया जाएगा, वो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि प्लॉट जो है वो सारे ऑन ग्राउंड यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ये जी इनका सारा अंडर डेवलपमेंट एरिया है, हमने आपको ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एरिया दिखाया है, बाकी जो सी ब्लॉक का एरिया है वो वहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है, जमीन के पास काफी यहाँ पे मौजूद है। सामने अगर देखें तो सामने जो आपको सोसाइटी नजर आ रही है ये बेसिकली अलनूर ऑर्चर्ड है, अलनूर ऑर्चर्ड की जमीन भी बिल्कुल इनके साथ लगती है। ये अल रहमान गार्डन की जी मस्जिद की लैंड है जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। मजीद अगर आप अल रहमान गार्डन के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स की सर्विसेज का इंतखाब कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करना होगा और इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। इसी के साथ मियाँ वहाज को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।